सिरमौर चौराहे स्थित फ्लाईओवर के नीचे लगा अघोषित दुकानों का अंबार, नगर निगम बेपरवाह। तो जानकारों के अनुसार पार्किंग ठेकेदार वसूल रहे पैसे, वहीं दिखाई दे रही दुकानदारों की दादागिरी। सिरमौर चौराहे स्थित फ्लाईओवर के नीचे काफ़ी संख्या में दुकानें लगी हुई हैं, जिनके बारे में ना तो नगर निगम के अधिकारियों को फिक्र है और ना ही किसी अन्य बड़े अधिकारी को। वहीं इन दुकानदारों से पार्किंग ठेकेदार मनमाने तरीके से पैसों की वसूली करते हैं, तो वहीं फ्लाईओवर के नीचे लगने वाले दुकानों के दुकानदारों की दादागिरी भी सामने आ रही है। ताज़ा मामला सामने आया है फ्लाईओवर के नीचे दुकान लगाने वाले सूरा निवासी मोहम्मद रईस मंसूरी का, जो कि जूते चप्पल की दुकान लगाकर अपनी आजीविका चलाते हैं। बेल्ट की दुकान लगाने वाले दुकानदार ने वहाँ से अपनी दुकान हटाने के लिए कहा और दुकान न हटाने पर मोहम्मद रईस के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसकी शिकायत लेकर वो सिविल लाइन थाने पहुँचे। नाम मोहम्मद रईस मंसूरी है, मैं सिरमौर चौराहा फ्लाई ब्रिज के नीचे दुकान लगा रहा हूँ जूते चप्पल का। साल भर हो गया है, ठेकेदार को 150 रुपया देता हूँ सबसे ज़्यादा मैं, उसके बावजूद भी ठेकेदार कोई भी भगाता है तो ठेकेदार की कोई वो नहीं है। आज मेरे पे एक बेल्ट वाले ने मेरे को मारा है, 4 बिजनेसमैन मिल के मेरे को मारे हैं, बोले तेरी दुकान यहाँ नहीं लगेगी, मेरा जाले उली तोड़ दिए हैं, तेरे को जो करना है कर ले, तेरी दुकान जला दूंगा, सारा चौराहा गवाह है, फुल्की चाट ठेला सब सब जानते हैं गलत कौन है। उसके बावजूद मैं यहाँ कंप्लेन लिखवाने आया हूँ, तो आधे घंटे से बोल रहे हैं कि यहाँ कोई लिखने वाला है ही नहीं है, इधर उधर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। फ्लाईओवर के नीचे दुकान कौन लगवा रहा है आप लोग? फ्लाई ब्रिज के ओवर के नीचे कोई सोनी करके है, जिनका नाम है ठेका, उनके नाम से कोई उगाही करता है गुड्डू, वो कोई कुछ भी हो जाए उससे पैसे से मतलब है, बस व्यापारी मारा जाए, व्यापारी को काट दिया जाए, व्यापारी को पैसे लूट लिया जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। व्यापारी का माल चोरी जाए उससे कोई मतलब नहीं है, व्यापारियों से उससे कोई मतलब, सिर्फ पैसे से मतलब है। नगर निगम वाले भगाने से पहले पैसे वसूली कर रहा है।